हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? आई हो अच्छे होंगे। तो आज मैं यहाँ पे आप लोगों को बताने वाली हूँ कि स्किन टैन रिमूव कैसे कर सकते, स्किन टैन फेशियल कैसे होता है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके पहले हमें इंपॉर्टेंट बात कर लिया, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को करिए लाइक सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंड या अपने फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये फेशियल कैसे हम बनाएंगे कॉफ़ी से। बनाने के लिए आपको थोड़ा सा इसमें कॉफ़ी चाहिए, उसके बाद इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा रॉ मिल्क। Apply your face and clean deep clean। इसे आप अपने फेस को क्लीन कर लीजिए। मिल्क आपके फेस को ग्लो बनाने में और फेयर करने में काफ़ी हेल्प करता है। और जहाँ पे कॉफ़ी की बात करें तो कॉफ़ी स्किन टैन रिमूवर के लिए काफ़ी बेस्ट है, बेस्ट इंग्रेडिएंट है आपके फेस के लिए। बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है इसके आपके फेस के लिए। तो आप इस फेस पैक को हफ्ते में आप 3 या 4 बार करेंगे, हफ्ते में 3 बार करेंगे तो आपके लिए बहुत बेस्ट होगा। आप जितना कर सकते इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाला, आपकी स्किन उल्टा ग्लो ही करेगी। तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं इसी तरीके से। अगर आप इसका बिफोर और आफ्टर पिक लेना चाहते हैं तो वो भी आप फोटो ले के देख सकते हैं कि आप इसके यूज़ करने के पहले कैसे दिख रहे थे या बाद में कैसे दिख रहे थे। तो आप इसे बहुत इजीली तरीके से इस फेस पैक को यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ मेरे चैनल को करिए लाइक सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंडों के बीच में शेयर करना ना भूलें। कोई भी फेशियल करने के पहले आपको अपने फेस को क्लीन करना है अच्छे से। सेकेंड स्टेप आता है स्क्रब के लिए। तो देखो, कॉफ़ी जो ऑलरेडी क्लिनजिंग में किए थे वो बचा हुआ था, थोड़ा सा वो लेंगे, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे इसमें। उसके बाद हम लोग जो नॉर्मल शुगर यूज़ करते हैं घर में, उसे हम इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद हमें इसका स्क्रब करना है। स्क्रब आप कम से कम 10 या 5 मिनट कर रहे हैं ताकि आपके अंदर जो भी गंदगी है वो सब एकदम अच्छे से क्लीन हो जाए, डीप क्लीन हो जाए। और कॉफ़ी आपकी स्किन को काफ़ी स्मूथ और ये क्या बोलते हैं, आपकी स्किन पे अगर डार्क स्पॉट है, हेयर डार्क सर्कल है, ये सब की प्रॉब्लम है, रिमूव हो जाएगी बहुत अच्छे से, बहुत इजीली तरीके से। आपका स्किन के जितने सारे स्पॉट हैं या स्किन टैन की आपके प्रॉब्लम है, रिंकल्स हैं, आपकी स्किन को टाइट करने में साथ में भी काफ़ी हेल्प करता है। ग्लो भी काफ़ी आता है, एकदम फ्रेश वाला ग्लो, एकदम फ्रेश वाला ग्लो मिलता है इससे आपको। तो चलिए हम स्क्रब करते हैं। अभी स्क्रब के लिए भी सेम प्रोसेस रहेगा। आप ये शुगर को हल्के हाथों से, आपको ज़्यादा रब नहीं करना है, ठीक है।
आपको सर्कुलर में मोशन में आपको मसाज करना है धीरे धीरे करके। बहुत ज्यादा जरूरी रहता है आपको स्टीम लेना। स्टीम लेने से आपका जो भी पोर्शन बंद रहता है, क्लोज रहता है, वो सब ओपन हो जाता है। और आप कोई भी कुछ भी यूज करते हैं तो बहुत अच्छे से आपके स्किन में अब्जॉर्ब हो जाए, आपके स्किन में बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो स्टीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप स्टीमर है आपके पास तो स्टीमर से ले सकते हैं, स्टीमर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इस तरीके से भी ये टॉवल भिगो कर गर्म पानी से ऐसे कुछ इस तरीके से रख सकते हैं। आप अपने नेक पे भी कर सकते हो, आप बैक पे भी चाहे तो बैक पे भी ऐसे 2-3 मिनट या 5 मिनट आप जितना चाहते हो उतना कर सकते हैं। इससे आपके ब्लैकहेड रिमूव हो जाते हैं, जो भी आपके फेस स्किन पे डर्ट्स हैं वो सब निकल जाएंगे, डेड सेल्स निकल जाएंगे और आपका स्किन काफी स्मूथ हो जाएगा। और फुल स्टेप है फेस पैक बनाने के लिए। यहाँ पे हम यूज करेंगे गेहूं का आटा, जो कि सबके घरों में अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच गेहूं का आटा लिया है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कॉफी, बाद हम इसमें थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर ऐड करेंगे, देन इसमें जाएगा कॉफी, बाद ऐड करेंगे एलोवेरा जेल, फिर उसके बाद इसमें ऐड करना है आपको गुलाब जल, फिर अच्छे से मिला लेना आपको। देखिए अच्छे से हो गया आपका फेस पैक रेडी। इसे आप 1 महीने के लिए एयर टाइट कंटेनर में फेस पैक बना के रख सकते हैं और जब चाहे तब यूज कर सकते हैं, या इसका आइस क्यूब भी बना के आप यूज कर सकते हैं आप आराम से। आपको 10 मिनट तक रखना है, सूखने तक वेट करना है, उसके बाद अपने हाथों से निकाल देना है इसे। We'll be right back.